आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम एक जानकारी लेते हैं। जो नीलगाय के झुंड होते हैं उनका एक मालिक होता है और हमेशा झुंड खाई कुन्ने। तो दोस्तों, इसके बारे में आगे जानकारी लेने से पहले दोस्तों, ये मालिक है, इसके बिना रह नहीं सकता, ये बात करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अब हम देखते हैं कई बार झुंड, क्योंकि मादाओं का एक झुंड होता है, सेम वैसे जैसे हम देखते हैं कई बार मसाई मारा के जंगलों में, हम देखते हैं कि बहुत सारी मादाओं के साथ में दो नर रहते हैं बहुत बड़े। ऐसे ही नीलगायों का कुछ है, सेम नीलगायों की दिनचर्या ऐसे ही है। इनकी जो मादाओं का झुंड है या उसके बच्चे हैं, उनके आसपास दोस्तों एक बहुत ताकतवर, जो सबसे ताकतवर नर होता है, वो इस पर अधिकार बनाए रखता है। कई बार क्या होता है, कुछ मालिक जो है झुंड का, वो मादाओं के झुंड के साथ नहीं होता, तो मादाएं चढ़ते चढ़ते दूर चली जाती हैं। उसके बाद में जब मादाओं को एहसास होता है कि नहीं, झुंड के ऊपर कोई भी खतरा हो सकता है या झुंड को सेफ रखने के लिए कोई नहीं है, तब फिर ये वापस, दोस्तों जो मालिक कहीं दूर दराज में बैठा हुआ रहता है आराम से, क्यों कई बार झुंड के मालिक जो है कहीं एक जगह बैठ जाता है, फिर आराम से बैठा रहता है कई घंटे तक, तो वो मादाएं वापस उसके आसपास आ जाती हैं दूर दूर तक चर के। दोस्तों, इस तरीके की जो एक्टिविटी है इन नीलगायों की, इन मादाओं की, सेम इससे ऐसा लगता है कि ये हर कोई, जो फीमेल नीलगाय हैं जो सारी एक झुंड में रहती हैं, तो इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब तक तो ये नर है उनको कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे जो बच्चों में जो नर होते हैं उनको ये जैसे थोड़े बड़े होते हैं, अरे 6 या 7 महीने बाद में ये उनको दूर खदेड़ देते हैं और ये अपने माओं को छोड़कर दूर चले जाते हैं। और ये जो मालिक होता है पावरफुल ताकतवर, ये उस झुंड पर हमेशा अधिकार बनाए रहता है। लेकिन जब एक झुंड को दूसरा बड़ा नर आके अपने हाथ में लेता है, तब इनमें जोर से फाइट होती है, बहुत ज़्यादा फाइट होती है दोस्तों।